नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो 2 HP मोटर टेस्टिंग के लिए बना हुआ है। दोस्तों 2 HP की मोटर कितना पूरा बनाती है, इसलिए मोटर का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर वीडियो देखिए। दोस्तों तीपरा 3 किलोमीटर है, आगे चलते हैं। दोस्तों तीपरा 2 किलोमीटर पहुँच गए हैं, अब चलते हैं। रास्ता मिल गया दोस्तों, तो इस रास्ते पर चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा कुआ है, कौन सा खेत है, उस पर ये मोटर लगाने का है। अभी हम ही अनजान है, इसलिए जाते हैं आगे। तो दोस्तों रास्ते में एक हमको भाई मिल गया था, भाई से इस किसान का रास्ता हमने पूछा है, तो उसने किसान का बेरा का हमको पूरा कंप्लीट कुएं का रास्ता बता दिया है। तो दोस्तों किसान का बेरा है, आगे कुएं बोलते हैं इसको, तो हम कुएं पर पहुंच गए हैं और किसान ने ये मोटर लेके आ गया इधर। तो दोस्तों ये त्रिपाल का होद बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे होद हमारे गाँव में बहुत बन रहे हैं और आगे बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो दोस्तों ऐसी ये 2 HP की मोटरें काफ़ी होदों में चलती है और चलने लगी है। दोस्तों अभी नया एरिया शुरू हुआ है, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये त्रिपाल पॉलीथीन है और इसमें पानी डालते हैं। दोस्तों तो हमारे छोटी मोटरें लगी हुई है, 2-5 HP से ये पानी आते हैं मोटर कुएँ में और फिर दोस्तों स्टोर करते हैं इस पानी का और दोस्तों इस त्रिपाल में डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा अभी ये 3 या 4 दिन पहले ये होद बना था और इसमें पानी का स्टोर किया हुआ है। तो दोस्तों पानी दिख रहा है कितना क्लियर है। दोस्तों ये ऐसा पानी स्टॉक करके इसमें ये 2 HP की ओपन वेल मोटर डाल देते हैं। तो दोस्तों अब मोटर के लगाते हैं निप्पल, जो हमको हमारे पास में 1.5 की लाइन है, 1.5 की लाइन है। दोस्तों आप दिख रहा होगा गर्म, हमने थोड़ा गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद में दोस्तों इसे लाइन को थोड़ा सा हल्के से चौड़ा कर लेना है, फिर बाद में दोस्तों मेरे हाथ में दिख रही है आपको 1.5 की लाइन। तो दोस्तों ये फ्लांच है और निप्पल है दोस्तों। तो दोस्तों फ्लांच और निप्पल को हमने टाइट करके ये 1.5 की लाइन में ये निप्पल फंसा देना है। निप्पल फंसाने के बाद में दोस्तों आपको इस पर बिल्कुल टाइट कर लेना है। तो इस तरह का से आपको निप्पल को बिल्कुल पाइप में 1.5 की लाइन में फंसा देना है गर्म करके। तो दोस्तों हमने लाइन पर कस दिया है और इस पर एक बंगड़ भी कस दिया है, तो आगे दोस्तों ये निकल ना जाए, इसलिए अब इसका नट टाइट कर देना है दोस्तों। तो ये 4 इसमें नट लगे हुए हैं, ये अच्छी तरह से आपको फुल टाइट कर देना है, ऐसा ना हो इसमें पानी निकलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों इसमें हमने कंप्लीट कर दिया, अब इसमें होद में डालने की जो पानी का स्टॉक किया हुआ पानी का होद है, टंकी है, उसमें डाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जाली का बैंड है, ये अच्छी तरह से आपको कस देना है। ये जाली का बैंड इसलिए लगाते हैं दोस्तों कचरा ना आवे। तो दोस्तों ये बैंड कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये मोटर लेके जा रहे हैं 2 HP जो मोटर थी मैंने बताया था, ये पानी का होद बना हुआ है, इस होद में डाल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इस मोटर को इस तरह से होद में डाला जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पानी के अंदर चली गई है, कम से कम ये 5 फीट या 6 फीट का अंदर खड्डा है। तो दोस्तों ये खड्डे के अंदर अच्छी तरह से मोटर चली गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 5 या 6 मीटर नीचे खड्डा है। तो दोस्तों खड्डे के अंदर चली गई, तो दोस्तों शुरू करते हैं मोटर चालू करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इस खड्डे में इस तरीके से पानी ढकता है, दूसरी मोटर चला के बढ़ते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा कुएं से पानी निकल रहा है, दोस्तों आप देख रहे हो ये कुएं से पानी आ रहा है। तो दोस्तों ये मोटर के अच्छी तरह से आपको टेप कर लेना है, जो हमने बताया था इस तरीके से कनेक्शन होता है। दोस्तों आपको 236 MVA की सेल लगा लेना है, 2 HP की मोटर है ये, तो 2 HP में 36 MVA का 2 सेल लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बिना स्टार्टर मोटर कैसे चलती है, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये जो प्लस का है आसमानी तार, तो इसमें आसमानी में ये पहले एक वायर लग जाएगा और ये पतलिया लाल तार, लाल में दोस्तों ये प्लस लग जाएगा। तो दोस्तों दोनों वायरों में कैपेसिटर
ये तो 3600 दो केफ सीटर है, सेल है मेरे पास में, तो सेल कैसे लगते हैं। तो दोस्तों पीले में आपको कुछ भी नहीं लगाने का है, पीले में सिर्फ सेल लगाने का है। और दोस्तों लाल में एक सेल का लगाना, इसमें लाल में एक सेल लगेगा और एक लाइट का वायर लगेगा, तो माइनस प्लस कोई सा भी लगा सकते हो आप। तो दोस्तों मैं इसमें लगा देता हूँ, इस तरीके से ये मोटर चलती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इस तरीके से जॉइंट होते हैं, ये 3600 दो सेल लगे हैं, आप ये जॉइंट देख सकते हो। तो दोस्तों 3600 भी सेल लगा दी है, इस तरीके से बिना स्टार्टर मोटर चलती है, आप डायरेक्ट चला सकते हो अपने घर पे ही बिना सेल। तो दोस्तों ये मोटर चलने वाली है, फुहारा के पाइप हमने लगा दिए हैं, ये 1.5 इंच की लाइन आप देख सकते हो, पूरी मोटर में हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई है, 1.5 इंच की लाइन में ही पानी जा रहा है, कितना आप देखा है 2 या 3 मीटर पानी, 2 फुट ये पानी बगा रहा है। दोस्तों ये 1.5 इंच की लाइन में हमने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है। अब आगे लगभग खेत में फुहारे बनेंगे, कितने बनेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, मैं आगे बता। तो दोस्तों खेत में इस तरीके से फुहारे की लाइन बिछाई जाती है। दोस्तों ये एक पाइप 20 फुट का है और पूरे हमारे जो किसान लोग हैं जो सभी मिलके इस खेत में इस तरीके से फुहारे के पाइप लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये कम से कम 50, मैंने लगभग ये 60 पाइप गिने हैं, 60 पाइप है एक पाइप, तो इस ये 60 पाइप पूरे लगाए हैं। तो दोस्तों ये कम लगभग 20 फुट का एक पाइप है, तो दोस्तों 60 पाइप डेढ़ की लाइन है बिछाई हुई है, कंप्लीट इस तरीके से लाइन बिछा दी है। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये फुहारे ऐसे होते हैं, दोस्तों ये फुहारे, ये जो पीतल के मेटल के बने हुए फुहारे हैं, इस तरीके से ये हमने 11 फुहारे लगा दिए हैं। मोटर चालू करते हैं और मोटर अभी चेक करते हैं। तो दोस्तों ये मोटर चालू हो गई है, तो दोस्तों ये मोटर कितना पानी दे रही है आपको दिखा रहे हैं फिर। तो दोस्तों ये मोटर अच्छी तरह से चालू होने वाली है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना फिट पानी बगा रही है आपको, 1.5 इंच की लाइन में इतना पानी आ रहा है, 2 HP की मोटर है। तो दोस्तों ये मोटर चेक करने के लिए लगाया था, आप लगाते हैं इसमें फुहारे में। तो दोस्तों ये किसान है तो ये फुहारा लगा रहा है, आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना पानी दे रही है, ये 2 इंच की लाइन में इनसे तो लगा ही नहीं जा रहा है, दूसरे भाई आ रहा है वो लगाएगा, देखो ये भाई अभी लगा रहा है, इस भाई को लगाने की बहुत प्रैक्टिस है, ये भाई चालू में ही फुहारा लगा दिया है। तो दोस्तों ये फुहारा लगने के बाद में आगे कम से कम 50 पाइप आकर पानी जा रहा है आगे, आप देख सकते हो इतनी दूरी पे। तो दोस्तों ये फुहारा का पाइप हमने लगा दिए हैं, ये 1.5 इंच की लाइन आप देख सकते हो, पूरी मोटर में हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई है, 1.5 इंच की लाइन में ही पानी जा रहा है, कितना आप देखा है 2 या 3 मीटर पानी, 2 फुट ये पानी बगा रहा है। तो दोस्तों ये 1.5 इंच की लाइन में हमने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है। अब आगे लगभग खेत में फुहारे बनेंगे, कितने बनेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, मैं आगे बताता हूँ। पहले इस मोटर के एम्पे नापते हैं, कितना एम्पे लेगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मोटर चालू करवाता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये मोटर चालू हो गई है, अब इसके एम्पे नापते हैं, कितना एम्पे ले रही है ये मोटर 2 HP की। तो आप देख सकते हो, मैं एम्पे बताता हूँ आपको। दोस्तों ये मेरे पास में मीटर है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल 0-0 है, 400 एम्पीयर पे रही मीटर। तो दोस्तों मैं आपको मीटर से बता देता हूँ, डिजिटल मीटर लगा हुआ है, डिजिटल मीटर में आपको सबसे पहले आसमानी में दोस्तों एम्पीयर नापते हैं, तो आसमानी वायर है जिसमें सिर्फ एक ही वायर लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें एम्पीयर अभी ले रही है 15.7 एम्पीयर ले रही है, आप मीटर में देख सकते हो दोस्तों 15.8 एम्पीयर ले रही है। और दोस्तों फेल लगाते हैं अपने इसमें प्लस में, तो दोस्तों इसमें भी 15.2 एम्पीयर ले रही है दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट एम्पीयर आ रहे दोनों फेस अर्थ फेस में। और दोस्तों कैपेसिटर में कितना एम्पीयर ले रही है, तो दोस्तों कैपेसिटर में ये भी लगभग 7 एम्पीयर ले रही है दोस्तों, कैपेसिटर में ओनली फॉर 7 एम्पीयर ले रही है। तो दोस्तों इसमें 50 मेमोरी का सेल लगा के देखते हैं एम्पीयर ज़्यादा होता है या कम होता है। तो दोस्तों ये तीनों वायरों में मैंने एम्पीयर बता दिया, एक मैं और बता रहा हूँ। तो दोस्तों आसमानी वायर में 15.1 यानी अभी 7 ले रही थी, दोस्तों कम बेसी चलता रहता है, फुहारे के हिसाब से लगती है एम्पीयर। और दोस्तों इसमें ले रही है अभी 15.1 और दोस्तों इसमें ले रही है ये 15. लगभग 7 एम्पीयर ले रही है लगभग, मान लो दोस्तों। तो ये मोटर इस तरीके से डायरेक्ट चलती है बिना स्टार्टर, ये मोटर चल रही है अभी। तो दोस्तों इसका मैं पूरा आपको फुहारे कितने बनाती है तो फुहारे का इसमें आपको जानकारी देते हैं, फुहारे कैसे होते हैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों फुहारे की जांच कर रहे हैं, तो फुहारा देखने की जल्दी हमको भी हो रही है दोस्तों, हम भाग के जा रहे हैं और दोस्तों कितनी फुहारे बना रही है तो इसको देखने के लिए हम भी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। तो दोस्तों मैं फुहारे के पास में पहुँचने वाला हूँ, तो आप दोस्तों देख सकते हो ये ऐसे फुहारे। तो दोस्तों ये फुहारे आपके पास चल रहे हैं, हमारे एरिया में ऐसे फुहारे चलते हैं। तो दोस्तों पूरा एरिया आप देख रहे हो, पूरा बरसात का सा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों ये पूरा बरसात जैसा ही माहौल है, पूरा एरिया को कवर कर रहे हैं ये कम से। दोस्तों आप देख सकते हो ये 9 या 10 फुहारे कंप्लीट बना रखी है, अभी 10 फुहारे 40 फीट
यानी 40 फुट दो दो फुहारे दो दो पाइप बगा रही है। 40 फुट का एक फुहारा है, यानी दो दो पाइप एक एक फुहारा बगा रहा है। इस तरीके से आप फुहारे देख सकते हो, ये फुहारा देखो इधर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और ये फुहारा है कम्प्लीट, आपको बता रहा हूँ मैं, ये पूरी एक लाइन है दोस्तों, पूरी कम्प्लीट। और दोस्तों इस मोटर की ये काशी था 10 फुहारे कम्प्लीट दो दो पाइप बगा रही है ये। तो दोस्तों आप ये अच्छी तरह से आप देख रहे हो वीडियो, फुहारे कम्प्लीट आप पूरे फुहारे गिन सकते हो, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले फुहारा ये चल रहा है, दोस्तों ये चल रहा है, और दोस्तों ये चल रहा है, आप देख सकते हो पूरे फुहारे कंप्लीट ये दोस्तों। और दोस्तों कितनी दूर तक देखो आप, कितनी दूर इसका होद है, लगभग इतनी दूर से दोस्तों ये पानी आ रहा है, आप पूरा फुहारे कंप्लीट देख सकते हो इसके। तो दोस्तों ये 2 HP की कम से कम आपको 10 से 11-12 फुहारे तक बना सकती है आपको, आपके पास लाइट ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा फुहारे बना देगी। तो दोस्तों ये फुहारे का इतना ही मोटर हमने टेस्टिंग किया है, टेस्टिंग का वीडियो हमने बनाया है कितना फुहारा बनाती है। तो दोस्तों 10 या 12 फुहारा लगभग ये मोटर बना देगी आपके। तो आप देख सकते हो ये 2 HP की मोटर आपको कितना पानी दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों फुहारा टेस्टिंग हो गया है, कितना फुहारा बना रही है। तो दोस्तों हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं, हमारे सामान सट्टे जो भी हमारे सामान है जो हम डाल रहे हैं और हम रवानगी हो रहे हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों आने वाले समय में मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा, 2 HP का बनाया, अगली बार 5 HP और 3 HP का वीडियो जरूर बनाया।